फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रुचि वर्मा। वेलकम टू चिली चटपटी किचन। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पालक की कढ़ी, जो सर्दियों में हर घर में मोस्टली बनाई ही जाती है और ये तो बहुत ही टेस्टी बनती है। सो लेट्स स्टार्ट अवर रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए दही, छाछ और खट्टी दही। ये है पालक, जिसे मैंने कट कर अच्छे से वॉश कर लिया है। सबसे पहले एक बर्तन में दही को डालकर इसमें मैंने बेसन को ऐड कर दिया है। सो अब मैं इसमें सभी मसाले ऐड करूंगी। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला और छाछ। छाछ डालने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और ग्राइंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। सो कढ़ी का बैटर तैयार होने के बाद मैंने एक बर्तन में सरसों का तेल ले लिया है, जिसे अच्छे से बॉईल करके अब मैंने इसमें मेथी दाना ऐड कर दिया है और ये है हींग। ये है खड़े मसाले, जिसमें मोटी इलायची, काली मिर्च और लौंग है। इन सभी को अच्छे से भुनने के बाद मैंने ऊपर से पालक को ऐड कर दिया है। 2 मिनट भुनने के बाद मैंने इसमें कढ़ी का बैटर ऐड कर दिया है और इसे मैं 5 से 10 मिनट तक अच्छे से चलाऊंगी, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो 5 से 7 मिनट चलाने के बाद कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है और इसका बैटर बिल्कुल गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। इसे मैं 1 घंटा पकने के लिए सिम गैस पर ही रख दूंगी और बीच बीच में इसे चलाती रहूंगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं कढ़ी के लिए पकौड़ी बनाना। सो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक बर्तन, जिसमें मैंने बेसन डाल लिया है और अब मसाले डाल दूंगी। नमक, लाल मिर्च, धनिया, जीरा, जीरा मैंने टेस्ट के लिए ऐड किया है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, अदरक, हरी मिर्च, साबुत काली मिर्च और साबुत धनिया। इसमें पानी ऐड करके मैंने इसका बैटर रेडी कर लिया है और ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा मिला दिया है, जिससे पकौड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है बचा हुआ पालक। कढ़ाई में तेल गरम करके मैं एक एक करके पकौड़ी को डीप फ्राई कर लूंगी। आराम आराम से हमें इसमें पकौड़ी को छोड़ना है, ताकि ये छोटी छोटी और सॉफ्ट बने। सो पकौड़ियाँ बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे मैं उबलती हुई कढ़ी में डाल दूंगी, जिससे ये अंदर जाकर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। सो गाइस, आपको ये कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी कैसे लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही चटपटी वीडियोस के लिए देखते रहिए चिली चटपटी किचन। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।